हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि हमारी बाइक का रिव्यू देखेंगे। ऑलमोस्ट मैंने 20,000 किलोमीटर कंप्लीट किया है इस बाइक पे और ड्यूरेशन ऑलमोस्ट हुआ है, दो साल मेरा पूरा कंप्लीट हुआ है। मैंने लिया था ये अक्टूबर 2018 में लिया था और अभी आज है दिसंबर 2020, सो दो साल हो गया है, 20,000 किलोमीटर की रनिंग हो चुकी है। तो शुरू करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस बाइक पे मुझे क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। सो लेट्स बिगिन। बाइक की तरह जितनी भी 300cc की बाइक मैंने अभी तक के देखा उससे कंपैरिजन में मुझे ये बाइक ज़्यादा अच्छी इसलिए लगी और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनकी तारीफ की जा सकती है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे पसंद भी नहीं आई है। तो हम शुरू करते हैं एक ऐसी चीज़ से जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस बाइक की और मैंने ये बाइक को प्रिफर किया, मैंने इस बाइक को चूज़ किया। जो पहली चीज़ है इस बाइक की वो है इसका लुक। इसका लुक इतना अच्छा है कि एकदम आई कैची है, लुक को लेके तो बैंग ऑन कि 10/10 तो मिलना ही है इसको। तो इसकी जो कटिंग्स दी है, जो इसका फेयरिंग दिया है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी आई कैची है और काफ़ी स्पोर्टी लुक दिया है इसके अंदर। सो ये चीज़ का लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहली बात जो इसका लुक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके लिए मैंने इसको पहले प्रीफर किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये बाइक 310cc की है बट इतना ही पावरफुल बाइक है। 0-60 ये ऑलमोस्ट 2 सेकेंड में पकड़ती है और जो 0-100 है वो ऑलमोस्ट 6.5 सेकेंड्स में 0-100 पकड़ती है। 312cc में इतना ज़्यादा पावर मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया इस बाइक के अंदर। मैंने पहले बहुत सोचा था कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बट काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आई विल गो विद दिस बाइक बिकॉज इसका पावर बहुत अच्छा है, स्पोर्टी लुक है और टूरिंग के लिए भी बहुत परफेक्ट है बिकॉज मैं हमेशा टूर पे जाता रहता हूँ। सो ये तो हुई बात इसके पावर की और इसकी लुक की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के एवरेज की। अच्छा, देखने को तो 300cc लगती नहीं, इनफैक्ट 1000cc की बड़ी एक हाई एंड गाड़ी लगती है। सो बात करेंगे जब हम एवरेज की। जब मैं लॉन्ग राइड पर जाता हूँ हाईवे पर, सो ये हाईवे पे समवर्ट अराउंड देगी आपको 33-37 के बीच का एवरेज मिलता है इसमें और सिटी राइड में इसको मिलता है 29-30-32 के बीच का एवरेज मिलता है। अगर ये बाइक को अग्रेसिवली चलाओगे तो ये कुछ आपको देगी 22-25 के बीच का एवरेज। सो जितनी अच्छी इसकी स्पीड है उतनी अच्छी इसकी ब्रेकिंग सिस्टम भी है। सो ड्यूल चैनल ABS दिया है इस बाइक के अंदर। बाइक ज़्यादा ओवरहीट भी नहीं होती है बिकॉज़ इसका कूलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू अगर KTM में बात करूँ। सो ओवरहीट बहुत कम होती है। बाइक लाइफ है वो ऑलमोस्ट मैंने अभी तक तो 20,000 किलोमीटर चलाया बट अभी तक काफ़ी फ्रेश है। इनफैक्ट ग्रिप देख रहे हो कि काफ़ी ग्रिप्स अभी भी बराबर मेंटेन है, टायर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, टायर अभी भी बेस्ट अपने कंडीशन में है। आई थिंक मेरे ख्याल से और ये 4-5 हज़ार किलोमीटर और चलेगा ये टायर। और अभी तीसरी जो इसकी बात जो खूबी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है राइडर सीट। सो राइडर की सीट जो इतनी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। सो अगर आप ये हमारा रेगुलर पोस्चर है जैसा हम रेगुलर राइड कर रहे हैं, सो यहाँ पर काफ़ी स्पेस बचती है। सो जस्ट इन केस अगर आप हाई स्पीड में भगाने जा रहे हो, जैसे कि अगर हाईवे पे हो थ्री डिजिट स्पीड में अगर भगा रहे हो, सो आप पीछे होके टक डाउन होके भी काफ़ी जगह मिलती है यहाँ पर बैठने के लिए। सो आपके आगे की स्पेस बच जाती है और फिर पीछे की पूरी प्लेस जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इस तरीके से फिर वो आपका स्पोर्टी लुक होगा जिसकी वजह से जो विंड ब्लास्ट है वो आपके ऊपर से निकल जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छी बात है इसकी सीट की। तो सीटिंग पोस्चर बैंग ऑन परफेक्ट बनाया बट आई कैन अग्री कि पीछे की सीट उतनी अच्छी नहीं है
जितनी की होनी चाहिए थी, बट फॉर अ 20-25 किलोमीटर राइड पिलियन के लिए बहुत अच्छी जगह है, इनफ स्पेस है बैठने के लिए, बट नॉट मोर देन 25 किलोमीटर, बिकॉज उससे ज़्यादा बैठने के बाद पीछे वाली की हालत ख़राब हो जाएगी। सो अभी बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। इसके जितने भी यहाँ पर बटन्स दिए हैं वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी हाई क्वालिटी के दिया हुआ है, और इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है इसके अंदर। अगर अभी देखो, मैंने क्योंकि सर्विस नहीं कराया तो मुझे सर्विस कराने के लिए इंडिकेशन आ रहा है, सो मुझे अभी सर्विस कराने जाना है। सो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, जैसे ओडो रेंज, ये देखो काफ़ी कुछ है इसके अंदर। सो काफ़ी डिटेलिंग में दिया है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। सो ये बाइक पे अभी तक कि मैंने टॉप स्पीड किया है 153 किलोमीटर्स की स्पीड है, कंपनी क्लेम करती है 160, बट 160 तक पहुंचने का मुझे मौका नहीं मिला। सो फार मैंने 153 तक किया है। देखिए 0-60 मैंने 1.7 सेकेंड में कवर किया है। सो इसकी टेल लाइट भी काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी ब्यूटीफुल शेप दिया है इसको, और काफ़ी अग्रेसिव है, बाय LED प्रोजेक्टर लाइट है ये। सो अपर डिपर जब हम दोनों स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों एक साथ एट द सेम टाइम चलेगी। सो काफ़ी ब्राइट है, नाइट राइडिंग में मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी है, और मुझे एक्स्ट्रा लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो ये सारी बातें थी जो मुझे अच्छी लगी इस बाइक के अंदर, इसके वजह से मैंने ये बाइक को चूज़ किया। सो अभी बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे इस बाइक की पसंद नहीं आई, अगर ये चीज़ नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा होता। सो देखते हैं कि वो चीज़ क्या है। सबसे पहली बात जो इस बाइक की मुझे अच्छी नहीं लगी वो है इसके चेन का इशू। चेन ये इसका जो बार बार लूज़ हो जाती है, ऑलमोस्ट एवरी 600 से 700 किलोमीटर में हर बार मुझे चेन टाइट करवाना पड़ता है। सो सेकेंड इशू जो है वो है इसके रनिंग स्टॉप का। सो जब इनिशियल स्टेज पे मैंने जब बाइक ख़रीदा था तभी ये चलते चलते बार बार रुक जाती थी, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। सो बार बार रुक जा रही थी, तो TVS से मैंने बात किया था, TVS के सर्विस सेंटर में मैं गया था, तो वहाँ पर उन लोगों ने कुछ सोल्यूशन दिया, जिसके बाद आई थिंक सेकेंड सर्विस के बाद में ये इशू ऑलमोस्ट 80% रिड्यूस हो गया। अभी भी थोड़ा बहुत इशू है, यानी कि चलते चलते बाइक ये अभी भी बंद पड़ती है, बट इनिशियल स्टेज पे जितनी ज़्यादा होती थी अब उतनी नहीं है, बट फिर भी ये इशू चल रहा है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि इसके पेट्रोल टैंक की। सो इसका पेट्रोल टैंक दिया है 11 लीटर का, जो कि बहुत कम है। जब मैं राइड पे जाता हूँ तो बार बार रिफ्यूल करना पड़ता है। तो KTM में जैसे देखेंगे कि उसमें तो 9 लीटर का दिया है, तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ तो फिर भी ठीक है कि वो KTM में 9 लीटर है, इसमें फिर भी 11 लीटर है। बट बोलते हैं ना कि अगर टूरिंग बाइक बनाया है तो TVS को थोड़ा सा और बड़ा फ्यूल टैंक देना चाहिए था। अब जो नेक्स्ट है वो है ये एग्जॉस्ट की। बट एग्जॉस्ट की आवाज़ मुझे इतनी कुछ पसंद नहीं आई, इसके अंदर थोड़ा सा और बूस्टर देना चाहिए था, थोड़ी सी और बेस वाली आवाज़ देनी चाहिए थी, बट ये बहुत ही रेगुलर टाइप की बाइक की आवाज़ है। और एक चीज़ जो इसकी मुझे अच्छी नहीं भी लगी और फिर उसके बाद अच्छी लगने भी लग गई, वो था इस बाइक का वाइब्रेशन। सो इस बाइक में वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा था इनिशियल स्टेज पे जब मैंने ये बाइक खरीदा था, बट TVS ने फिर इसको अपग्रेड किया और इसके अंदर कुछ चीज़ें जो लगा के दी है, जैसे कि मैं बताता हूँ। जैसे कि ये रबर लगा के दिया था जिसकी वजह से वाइब्रेशन पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ। सेकेंडली ये जो हैंडल बार के ऊपर जो ये रॉड लगा के दिया है, इसकी वजह से काफ़ी वाइब्रेशन कम हुआ है। सो ओवरऑल मुझे ये बाइक काफ़ी अच्छी लगी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी इनफैक्ट। सो इसीलिए मैंने ये बाइक को चूज़ किया था। सो अगर आप रेगुलर सर्विस कराते रहो और इसकी बराबर से ध्यान रखोगे तो कोई इशू नहीं होगा फिर इसके अंदर। और रेगुलर सर्विस कराते रहिए, रेगुलर अपडेट करते रहिए, बाइक में कोई इशू नहीं। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो मेरे लिए ये बाइक काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि मैं काफ़ी लॉन्ग टूरिंग कर चुका हूँ इसके ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, सिटिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा है, रनिंग भी बहुत अच्छा है, पावर बहुत ज़्यादा है, पावर को लेके कोई इशू नहीं है। पहले में और अभी में बाइक में कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है, यानी कि 2 साल पहले जब मैंने खरीदा था तब भी वैसी थी और आज भी वैसी है। इनफैक्ट पॉजिटिव चेंजेस आया है काफ़ी, जो कि इनिशियल स्टेज में मुझे जो इश्यूज़ दे रहे थे वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए हैं। अगर आप लोग टूरिंग के लिए जाते हो सो आई वुड सजेस्ट कि ये बेस्ट बाइक है टूरिंग के लिए, बेस्ट है इन द सेंस ये सेगमेंट में बेस्ट गाड़ी है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, किसी को KTM पसंद है, किसी को ये पसंद है,
किसी को डोमिना है। फाइनल चॉइसिस योर्स कि आपको जो अच्छी लगी, बट मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ, अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये बाइक पे मैंने एक्सपीरियंस किया है 2 साल और 20,000 किलोमीटर का। सो मुझे ये बाइक में कोई इशू नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आया इसमें अभी तक। सो ये मैंने वीडियो बहुत सिंपल एंड सोबर रखा था, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया जो बताने लायक होनी चाहिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें करता तो वो शायद आप लोगों को आधी चीज़ समझ में आती और आधी नहीं आती। अगर इसके अलावा आप लोगों को कुछ और जानना है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। बट एज फार एज इस बाइक की बात करें तो मेरे हिसाब से अगर 10 में से अगर इसको स्कोरिंग देना है तो मैं इसको दूंगा 8 स्कोर दूंगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय।